ऊपर जो इसका पिछले टायर का रिम है उसको काफ़ी अलग तरीके से डिज़ाइन किया गया है, जो कि आपको थोड़ा बाहर की तरफ निकला हुआ मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित कुमार फार्मिंग इक्विपमेंट चैनल से। आज हम आप लोगों को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं जॉन डियर की CRDI टेक्नोलॉजी से। अगर आपको CRDI के बारे में फुल जानकारी चाहिए तो आप हमारी वीडियो में पर आई बटन को क्लिक करके वहां से पूरी जानकारी CRDI के बारे में ले सकते हैं। उसके बाद टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के लिए आपको अवगत कराएंगे अमित कुमार, जो आपको ट्रैक्टर की और CRDI के बारे में फुल जानकारी इस वीडियो में देंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे जॉन डियर के 5405 के CRDI वेरिएंट के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि गवर्नमेंट के गाइडलाइन के मुताबिक सभी कंपनियां आने वाले टाइम में अपने BS6 ट्रैक्टर लॉन्च करने वाली हैं, इसलिए जॉन डियर ने अपने 5405 को CRDI के साथ BS6 में लॉन्च किया है। और इस ट्रैक्टर में इसके पुराने वाले वेरिएंट के मुकाबले आपको बहुत सारे चेंजेस नज़र आएंगे। जैसा कि सबसे बड़ा चेंज तो आपको इसकी लुक में नज़र आएगा। आप इसकी लुक देख सकते हो कि पुराने वाले वेरिएंट के मुकाबले बिल्कुल अलग है। और इसमें काफ़ी छोटे छोटे चेंजेस किए गए हैं। जैसे कि आप इसके प्लेटफॉर्म देखोगे तो इसके प्लेटफॉर्म में जो पीछे एक्सल वाला एरिया है उसको काफ़ी अच्छे तरीके से कवर किया गया है। तो इसके बाद बात करें इसके बोनेट की, तो इसका बोनेट भी आपको इसके पुराने वाले वेरिएंट के मुकाबले काफ़ी अलग नज़र आएगा। इसमें आपको सिंगल पीस बोनेट मिलता है जिसको आप की के साथ लॉक और अनलॉक कर सकते हो, ताकि बैटरी के साथ चोरी पर छेड़छाड़ कर रिस्क ना रहे। वहीं पर आपको आगे इसमें एयर इंट्री कूलर मिलता है जो कि टर्बो से आई एयर को ठंडा करके इंजन में पहुंचाने का काम करेगा। इसी के साथ आपको इसमें डीजल कूलर भी मिल जाएगा। इसी के साथ आपको इसमें आगे एक साइड की बैटरी मिलती है जिससे कि ये इसके चोरी होने का डर भी नहीं रहेगा। और इसी के साथ ही आगे इसमें फ्रंट वेट बढ़ जाएगा जिससे फ्रंट टायर में स्लिपेज की प्रॉब्लम नहीं आएगी। वहीं पर बात करें इसके इंजन की, तो इसमें आपको वही जॉन डियर का 2900 cc का 3-सिलेंडर इंजन मिलता है जो कि 2100 rpm पर अपनी 63 hp की पावर जनरेट करेगा। वहीं पर बात करें इसके फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम की, तो वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि इसमें आपको जो इसका फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम है वो CRDI मिलेगा। CRDI मतलब कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम। CRDI के बारे में हमने पहले भी डिटेल में वीडियो बना रखी है जिसको आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हो। इसके बाद बात करें इसके एयर फिल्टर की, तो इसमें आपको ड्राई टाइप एयर फिल्टर चोकिंग सेंसर के साथ मिलता है जिससे कि इसका फिल्टर चोक होने पर इसके क्लस्टर में चोकिंग इंडिकेटर ऑन हो जाएगा। इसी के साथ इसमें यहाँ पर हीट शील्ड मिलती हैं ताकि इंजन की हीट ड्राइविंग एरिया में ना जाए। वहीं पर बात करें इसके क्लच और ब्रेक के पैडल की, तो वो आपको इसमें सस्पेंडेड टाइप मिलते हैं जो कि ऑपरेट करने में काफ़ी आसान होते हैं और इनको लंबे टाइम तक ऑपरेट करने में थकावट भी नहीं होती। इसके बाद बात करें इसके प्लेटफॉर्म की, तो इसमें आपको काफ़ी बड़े साइज़ का और खुला प्लेटफॉर्म मिलता है, लेकिन इसमें बीच में थोड़ा बम्प नज़र आएगा, जिसके बावजूद भी ये काफ़ी स्पेसियस और कंफर्टेबल फील होता है। इसके बाद बात करें इसके गेयरबॉक्स की, तो इसमें आपको साइड शिफ्ट में सिंक्रोमैस गेयरबॉक्स मिलता है जिसमें आपको 12 फॉरवर्ड और 4 रिवर्स स्पीड मिलती हैं। इसके बाद बात करें इसके क्लच की, तो इसमें आपको डबल क्लच इंडिपेंडेंट लीवर के साथ मिलता है जिससे कि आप चलते ट्रैक्टर में PTO को इस क्लच के बिना अलग से ही ऑपरेट कर पाओगे। वहीं पर बात करें इसके ब्रेक की, तो इसमें आपको OIB ब्रेक के साथ हाइड्रोलिक एक्चुएटेड ब्रेक मिलते हैं जिनको आप हल्के से दबाने पर ही ट्रैक्टर को कंट्रोल कर सकते हो। इसके बाद बात करें इसके डैशबोर्ड की, तो इसका डैशबोर्ड आपको काफ़ी स्टाइलिश मिलता है जो कि आपको इसके पुराने वाले वेरिएंट के मुकाबले काफ़ी अलग नज़र आएगा, जिसमें आपको जो सिर्फ RPM इंफॉर्मेशन है वही एनालॉग टाइप में मिलेगी, बाकी सभी तरह की इंफॉर्मेशन आपको इसमें डिजिटल टाइप में मिल जाती है। और इस ट्रैक्टर में आपको एक बहुत ही खास फीचर मिलता है, वो ये कि आपको इसमें 2 ड्राइविंग मोड मिलते हैं, पहला ईको दूसरा स्टैंडर्ड। अगर आपको ज़्यादा पावर की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि आप ट्रैक्टर को किसी रोड पर ड्राइव कर रहे हो, उस टाइम पर आप इसके ईको मोड को यूज़ कर सकते हो जिससे कि आपकी डीजल की काफ़ी बचत हो जाती है। वहीं पर अगर आपको ट्रैक्टर से ज़्यादा पावर चाहिए, जैसे कि आप किसी खेत में हैवी इम्प्लीमेंट पर ट्रैक्टर को यूज़ कर रहे हो, उस टाइम पर आप इसके स्टैंडर्ड मोड को यूज़ कर सकते हो जिसमें आपको ज़्यादा पावर मिलेगी, लेकिन इसमें आपको ईको मोड के मुकाबले जो माइलेज है वो थोड़ी कम मिल सकती है। इसी के साथ आपको इस ट्रैक्टर में एक और यूनिक फीचर देखने को मिलेगा, वो ये कि इसका जो स्टीयरिंग है वो टिल्ट एडजस्टमेंट के साथ आता है जिससे कि आप इसके स्टीयरिंग को अपने ड्राइविंग पोस्चर के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। और टायर साइज़ देखें, तो इसमें फ्रंट टायर 11-2-24 और रियर टायर 16-9-30 के मिल जाते हैं। वहीं पर जो इसका पिछले टायर का रिम है उसको काफ़ी अलग तरीके से डिज़ाइन किया गया है, जो कि आपको थोड़ा बाहर की तरफ निकला हुआ मिलेगा ताकि ट्रैक्टर को ज़्यादा टॉर्क मिल सके।
वहीं पर बात करें इसके फ्रंट एक्सल की, तो इसमें आपको जो इसका फ्रंट और रियर दोनों एक्सल हैं वो आपको एपिसाइक्लिक रिडक्शन के साथ मिलते हैं, जिससे कि ट्रैक्टर का टॉर्क तो बढ़ता ही है, साथ में इसका जो क्राउन पिनियन है वो भी सेफ रहता है, और इसी के साथ ही इसके कारण ट्रैक्टर में स्लीपेज की दिक्कत भी नहीं आती। स्टीयरिंग की बात करें तो इसमें आपको ड्यूल एक्टिंग हाइड्रोलिक स्टीयरिंग मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से काम करेगा। इसी के साथ इसके फ्रंट व्हील को पावर देने के लिए जो प्रोपेलर शाफ्ट लगाई गई है उसको प्लास्टिक के केस के साथ काफ़ी अच्छे तरीके से कवर किया गया है, ताकि इसमें कोई भी फसल अवशेष या फिर खरपतवार ना फंसें। लिफ्ट को देखें तो इसमें आपको 3 पॉइंट सेंसिंग लिफ्ट 2500 केजी की लिफ्टिंग कैपेसिटी के साथ मिलती है, जिससे आप इससे भारी से भारी इंप्लीमेंट को आसानी से लिफ्ट कर सकते हो। और इसके लिफ्ट में आपको एक और ख़ास फीचर मिलता है, वो ये कि इसमें आपको पीछे इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल बटन मिलते हैं, जिससे आप इसकी लिफ्ट को इंप्लीमेंट लगाते समय पीछे से ही ऊपर या नीचे कर सकते हो। और यही बटन आपको इसमें आगे भी मिलते हैं, जिससे आप ट्रैक्टर को कल्टीवेटर में यूज़ करते टाइम मोड पर मोड़ते टाइम लिफ्ट को एक ही बटन से ऊपर या नीचे कर सकते हो। इसके बाद बात करें पीटीओ की, तो इसमें आपको 6 अप्लाइंस में 2 पीटीओ ऑप्शन मिलते हैं। पहला तो 540 स्टैंडर्ड के साथ 540 इकोनॉमी, और दूसरा 540 स्टैंडर्ड के साथ रिवर्स पीटीओ का ऑप्शन 55.7 HP की पीटीओ पावर के साथ मिल जाता है। वहीं पर अगर बात करें इसके रियर एक्सल की, तो आप जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि इसमें फ्रंट और रियर दोनों ही एक्सल एपिसाइक्लिक रिडक्शन के साथ मिलते हैं। इसी के साथ आपको इसमें पीछे 4 DCV पॉइंट मिलते हैं, जिनसे आप इसमें किसी भी भारी से भारी हाइड्रोलिक इंप्लीमेंट को आसानी से यूज़ कर सकते हो, क्योंकि इसमें जो डीसी पॉइंट हैं वो आपको 4 मिलते हैं। और इसी के साथ आपको जो कैपेसिटी है वो 2500 केजी की मिल जाती है, जिससे कि आप इसमें कोई भी हाइड्रोलिक इंप्लीमेंट आसानी से लगाकर यूज़ कर सकते हो। और इसी के साथ आपको इसमें पीछे फाइबर बॉडी में फ्यूल टैंक मिल जाता है। और ये ट्रैक्टर आपको 4 व्हील ड्राइव और 2 व्हील ड्राइव दोनों वेरिएंट में मिल जाएगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें।